हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात कर लेते हैं दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी के डबल अटैक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल भी सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। 7 साल में यह लगातार 7वां मौका है जब पीएम मोदी दिवाली पर जवानों का जोश बढ़ाने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर गए और वहां पर 2 जगह जवानों से मिले। पीएम मोदी इस दौरान टैंक पर भी सवार हुए। सबसे अहम बात यह रही कि इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन दोनों पर इशारों में जोरदार प्रहार किए। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। मन भी यह एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं। तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिला। मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जोश, हिम्मत, हौसला और हुंकार, और वो भी फॉरवर्ड पोस्ट पर। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली इसी धमाकेदार अंदाज में मनाई। पीएम पहले जैसलमेर से लगती बॉर्डर की सबसे चर्चित लोंगेवाला पोस्ट पर गए, जो कि 1971 की जंग की सबसे बड़ी प्रतीक है। उसके बाद पीएम मोदी जैसलमेर के एयरबेस पर भी पहुंचे। दोनों जगह उन्होंने जवानों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां जवानों के शौर्य की दाद तो दी ही, इशारों ही इशारों में उन्होंने चीन और पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आज का भारत आतंकियों और उनके आकाओं को घर में घुसकर मारता है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। लोंगेवाला पोस्ट पर पीएम मोदी की एक नायाब तस्वीर दिखी। मोदी यहां सेना के टैंक पर सवार हुए। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देना जानता है। हमारी सेना की ताकत ऐसी है कि जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है।
आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जवानों के शौर्य की जमकर तारीफ की, कहा कि हमारे सैनिकों के पराक्रम से दुश्मन की कपकपी छूट जाती है। हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू के ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। आप में से अनेक साथी अगर आज यहां रेगिस्तान में डटे हैं तो आपको हिमालय की ऊंचाइयों का भी अनुभव है। स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, आपका पराक्रम, आपका शौर्य अतुलनीय है। इसी का असर है कि आज दुश्मन भी ये एहसास है कि भारत के जाबाजों की कोई बराबरी नहीं है। पीएम मोदी ने इस मौके पर न पाकिस्तान का नाम लिया और न ही चीन का, लेकिन चीन पर उन्होंने संकेतों में ही काफी कुछ कह दिया। मोदी ने कहा कि समझने और समझाने में हमारा यकीन है, लेकिन आजमाने वालों को प्रचंड जवाब मिलेगा। भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री देश के जवानों के बीच पहुंचे हों। सत्ता में आने के बाद पहली बार पीएम मोदी 2014 में जवानों के बीच दिवाली मनाने सियाचिन पहुंचे थे, और अब जब सत्ता में मोदी का सातवां साल चल रहा है तो आज भी दिवाली के मौके पर पीएम मोदी सातवीं बार सीमा पर जवानों के बीच हौसला अफजाई के लिए पहुंचे। 2014 में शुरुआत सियाचिन से की थी और आज 2020 में देश के पश्चिमी सीमा जैसलमेर में मोदी जवानों संग दिवाली मनाने पहुंचे। यहां मोदी ने जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी, उनके शौर्य का जिक्र किया और कहा कि जवानों के बीच आकर ही उनकी दिवाली पूरी होती है। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं, तो मुझे भी अनेक गुना खुशी हो जाती है, मेरी खुशी बढ़ जाती है। इसी खुशी के लिए देशवासियों के उल्लास को आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं फिर एक बार इस रेगिस्तान में आपके बीच। दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को दिवाली की मिठाई भी बांटी, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी और भारत मां की जय के नारे भी लगाए।